हेलो, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हियर द क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। अब जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था दैट वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विल हैव रियल रूट्स और नॉन रियल रूट्स इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ओके, so normally discriminant is denoted by d or by delta. okay, so यहाँ पर हम d से denote करते हैं, so d is nothing but b square minus 4ac. okay, so जैसे कि हमने discuss किया था, अगर discriminant का value जो है greater than 0 है, that is positive value, तो वो particular quadratic equation का जो roots होगा वो क्या होगा, real roots होंगे। क्या होंगे? real roots and distinct होंगे। So if it is greater than 0 and if b square minus 4ac, that is discriminant value is equals to 0, so ye case mein bhi kya honge, real roots honge, but kya honge, equal roots honge. Okay, and the third case is b square minus 4ac is less than 0, that is negative value aata hai, to ye case mein roots jo honge wo non real honge. Understood? So अगर ये दो केस आता है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, और वही केस में हमको क्या फाइंड आउट करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो फर्स्ट हम इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सो ओके, सो फर्स्ट हम ए वैल्यू लिख देते, दैट इज 2, बी इज 5√3, C is 6. Okay, so D is B square minus 4AC is equals to B is 5√3 the whole square minus 4A, that is 2, into C, that is 6. So 5 square is 25, root 3 square is 3, minus 4 into 2 is 8, into 6, that is 48. So it is 75 minus 48, and that is nothing but equals to 27. सो डी का वैल्यू हमको 27 आ रहा है, सो देयरफॉर डी इज ग्रेटर देन 0. सो इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे? रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, सो नाउ विल फाइंड आउट द रूट्स। ओके, सो देर आर डिफरेंट मेथड्स, दैट इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय फॉर्मूला मेथड। सो हम यहाँ पर फॉर्मूला मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ। सो फॉर्मूला मेथड, सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। सो दिस इज द फॉर्मूला, फाइंड द रूट्स डायरेक्टली। ओके, सो नाउ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी by 2a, that is the first root. Understood? तो यहाँ पर मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज डी, तो मैं रूट यहाँ पर डी लिखता हूँ। एंड द सेकेंड रूट क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a. Understood? Okay, so now we'll substitute the value. So x is equals to minus b, that is 5√3 plus root d, d is 27 by 2a, a is 2. Okay, or x is equals to minus b, that is 5√3 minus root d, that is root 27 by 2a, that is 2 into 2. Understood? Okay, so now x is equals to minus 5√3. अब 27 परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है नहीं, तो बट इसको मैं 9 × 3 लिख सकता हूँ। सो 9 × 3, सो 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, रूट के बाहर आके 3 हो जाएगा, सो इट विल बी 3√3. सो रूट 27 कैन बी रिटन एज 3√3 डिवाइड बाई 4, और x इज इक्वल्स टू माइनस 5√3 माइनस 3√3 बाय 4.
ओके सो नाउ एक्स इज इक्वल्स टू, अब दोनों के साथ सेम रेडिकल वैल्यू है, दैट इज़ रूट थ्री रूट थ्री. सो माइनस फाइव और थ्री उनके कोएफिशिएंट जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू रूट थ्री बाई फोर और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एट, माइनस फाइव माइनस थ्री रूट थ्री बाय फोर. ओके सो टू इंटू वन टू इंटू टू, सो एक्स इज माइनस रूट थ्री बाय टू एंड वन इंटू टू, सो एक्स इज माइनस टू रूट थ्री. सो दीज आर द टू रूट्स, माइनस रूट थ्री बाय टू एंड माइनस टू रूट थ्री. सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं. सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो सेकेंड क्वेश्चन में ए जो है दैट इज पी स्क्वेयर, बी जो है दैट इज पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर दैट इज द बी एंड सी इज माइनस क्यू स्क्वेयर, सी इज माइनस क्यू स्क्वेयर. ओके सो फर्स्ट विल फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट. सो डी इज बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू, सो इट इज पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर द होल स्क्वेयर. सो दिस इज बी, सो बी द होल स्क्वेयर ये हो जाएगा एंड माइनस फोर ए इज पी स्क्वेयर इंटू सी दैट इज माइनस क्यू स्क्वेयर. अंडरस्टूड? सो अभी पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर द होल स्क्वेयर, नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस, नाउ इट विल बी फोर पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर. ओके सो नाउ अब यहाँ पर हम ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. तो इसको पी स्क्वायर को हम एज अ ए कंसीडर करते हैं और क्यू स्क्वायर को एज अ बी कंसीडर करते हैं. तो ए स्क्वायर होता है तो पी स्क्वायर द होल स्क्वायर. सो दिस इज ए, सो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, सो टू ए यहाँ पर पी स्क्वायर, बी क्या है क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो बी यहाँ पर क्या है क्यू स्क्वायर उसका स्क्वायर. अंडरस्टूड? प्लस फोर पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर. अंडरस्टूड? ओके सो नाउ यहाँ पर देखिए माइनस टू पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर एंड फोर पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर दोनों टर्म सेम है. यहाँ पर पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर लाइक टर्म्स है. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो माइनस टू प्लस फोर दैट इज टू हो जाएगा. तो पी स्क्वेयर द होल स्क्वेयर प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर द होल स्क्वायर. अंडरस्टूड? सो देखो माइनस 2 प्लस 4 दैट इज 2, सो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर q स्क्वायर. अंडरस्टूड? ये दोनों टर्म को प्लस माइनस करके हमको ये आ गया. अंडरस्टूड? ओके सो नाउ यहाँ पर आप देखिए दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अंडरस्टूड? सो ए स्क्वायर इसको हम ए कंसीडर करते हो, ए स्क्वायर प्लस टू ए दैट इज पी स्क्वायर और बी जो है दैट इज क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अंडरस्टूड? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में? तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर पी स्क्वायर है और बी जो है वो क्यू स्क्वायर है द होल स्क्वायर. अंडरस्टूड? तो ये हमको आ गया डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू. ओके सो अब यहाँ पर पी और क्यू के टर्म्स में है तो हमको कैसा पता चलेगा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा. बिकॉज अगर p नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है तो उसका स्क्वायर, अब जैसे माइनस टू है फॉर एग्जांपल, तो माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा. और q जो है वो भी अगर सपोज नेगेटिव ही है तो माइनस, सपोज माइनस वन है तो माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा. अंडरस्टूड? और यहाँ पर ये दोनों तो पॉजिटिव हो ही जाएंगे. इनकेस अगर p और q भी होता तो ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर है. अगर सपोज यहाँ p प्लस q भी होता, सिर्फ p प्लस क्यू द होल स्क्वायर, अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आता ब्रैकेट के अंदर तो उसका होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाता, नेगेटिव का वो पॉजिटिव हो जाता. अंडरस्टूड? सो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा
पी और क्यू का जो भी वैल्यू होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. अंडरस्टूड? तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, दैट मीन्स इट विल बी ग्रेटर देन जीरो. अंडरस्टूड? सो इट विल बी ग्रेटर देन जीरो. सो ये केस में क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे. अंडरस्टूड? ओके, सो मैं ये पार्ट रब कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं पॉज करके वीडियो. ओके, सो सो डी हमको क्या मिला, डी इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर. अंडरस्टूड? तो ये वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा. अंडरस्टूड? नाउ अब इसके रूट्स क्या होंगे, सो बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस, और माइनस मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, मैंने डायरेक्टली यहाँ रूट डी लिखा है. और एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, सो बी क्या है यहाँ पर, दैट इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस डी. सो डी का वैल्यू क्या है हमको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर. अंडरस्टूड? सो दिस इज डी बाय 2a, दैट इज 2a, ए इज पी स्क्वायर, ए इज पी स्क्वायर. सो और एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगेन माइनस बी, दैट इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस रूट डी. सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर. अंडरस्टूड? डिवाइड बाय 2a, दैट इज 2p स्क्वायर. ओके, सो नाउ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, ब्रैकेट ओपन करते तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस क्यू स्क्वायर प्लस. अब देखो दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर है, तब ये ब्रैकेट को हम एज ए लेते, तो ए स्क्वायर और उसका रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा बिकॉज दिस इज होल स्क्वायर है, तो उसका रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा. अंडरस्टूड? बिकॉज ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर है और ये रूट के अंदर, तो वो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ गया इस बाय टू पी स्क्वायर. अंडरस्टूड? ओके, सो और एक्स इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, अगेन यहाँ पर ये स्क्वायर हट जाएगा, रूट के अंदर है, तो ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. यहाँ माइनस साइन है तो हम पहले ब्रैकेट पुट करते हैं, उसके बाद ओपन करेंगे ब्रैकेट. अंडरस्टूड? ओके, नाउ यहाँ पर प्लस एंड माइनस पी स्क्वायर जो है, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड, तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दैट इज 2q². अंडरस्टूड? सो एक्स इज इक्वल्स टू 2q² बाय 2p². अंडरस्टूड? तो यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर. एंड यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2p². अंडरस्टूड? तो यहाँ पर कौन सा टर्म कैंसिल होगा, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर विल गेट कैंसिल, तो क्या आएगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज माइनस 2p² बाय 2p². अंडरस्टूड? सो यहाँ पर आया माइनस 2p² बाय 2p², सो 2 2 गेट कैंसिल, पी स्क्वायर गेट कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ बचा -1. अंडरस्टूड? तो इसका एक रूट जो है वो -1 है और दूसरा रूट जो है वो क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर है. अंडरस्टूड? सो दिस आर द 2 रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर आपको कुछ भी डाउट आता है कोई भी पार्ट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.